फिर नेक्स्ट जो इसमें लिस्ट है वो है लिस्ट ऑफ ऑल स्पीकर, यानी कि विधानसभा के जो अभी तक अध्यक्ष हुए वो पूरी लिस्ट है, इसमें चलते हैं। यहाँ पे ये लिस्ट मैंने यहाँ पे ऑफिशियल साइट से ले रखी है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी है वैसे आगे हिंदी में, लेकिन ऑफिशियल साइट से लेने का एक अलग ही वो है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं डेटा यहाँ पे। तो देखिए ये जो है ये स्पीकर हैं अभी तक के, इस समय कौन है, हृदय नारायण दीक्षित हैं ये 22वें नंबर के स्पीकर हैं यूपी के, ठीक है, 2017 30 मार्च 2017 से अभी तक हैं। उसके बाद ये पूरी लिस्ट है विधान परिषद के चेयरमैन की, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। ये विधान परिषद के जो हैं पीठासीन अधिकारी कौन कौन है, ये आप इसमें देख सकते हैं, शुरुआत से पूरी लिस्ट दी हुई है कि सबसे पहले कौन थे, सर सीताराम, ठीक है, 1925 से 37 तक, और 37 से फिर 49 तक। इस समय कौन है, रमेश यादव, ठीक है, रमेश यादव हैं 11 मार्च 2016 से अभी तक है विधान परिषद के जो है सभापति, विधान परिषद के अध्यक्ष या फिर पीठासीन अधिकारी बोल सकते हैं, चेयरमैन मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल के। प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोटेम जो सभापति रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के जो एमएलए थे, ठीक है, उनका नाम था फतेह बहादुर सिंह, वो यूपी के प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है, तो फतेह बहादुर सिंह जो थे वो प्रोटम स्पीकर थे यूपी लेजिस्लेटिव, जो 17वीं विधानसभा थी उसके। ये फिर कुछ कार्यकारी सभापति, इतनी इम्पोर्टेंट लिस्ट नहीं है ये वैसे। ये एक दो लिस्ट और है, लिस्ट ऑफ ऑल जो है डिप्टी स्पीकर, इनकी लिस्ट भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से यहाँ पे। जैसे इस समय देख रहे हैं आप, श्री राजेश अग्रवाल जी हैं, ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर हैं और ये 17वें नंबर के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले कौन थे, श्री अब्दुल हकीम, ये नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा श्री अब्दुल हकीम, ठीक है। ये लास्ट लिस्ट है, ऑल लीडर ऑफ अपोजिशन है ये, इनकी पूरी लिस्ट एक बार देख लेते हैं। देखिए इस समय कौन है, श्री राम गोविंद चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और ये टोटल 43 नंबर के हैं अगर आप इसमें लिस्ट देखेंगे। अब यही सब चीज़ यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो ये हिंदी में लिखी हुई है, जो मैंने बता दी आपको पूरी, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर याद रख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बना, ये आपको बताना है, और सबसे ज़्यादा टाइम तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज किसके सबसे ज़्यादा हैं, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये सारे मैंने दे दिया है। पहला है कौन से थे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, और इस समय कौन है, इस समय हृदय नारायण दीक्षित हैं बीजेपी के, ठीक है। विधान परिषद सभापति यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन चंद्रभाल थे सबसे पहले आज़ादी के बाद, और उसके बाद इस समय है रमेश यादव, ठीक है। ये पूरी प्रेजेंट कैबिनेट की लिंक है, ये आपको एक बार देखनी चाहिए, इसमें मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, आप एक बार इसको पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरी राज्य मंत्री हैं, ये वाले पूरी लिस्ट लेटेस्ट है, ये अपडेट होता रहता है पूरा डेटा, तो ये वाला जो अपॉइंटमेंट है वो आप देखते रहिएगा, अभी तक का अपडेटेड है 28 सितंबर 2019 तक का। ये सब राज्य मंत्री हैं, आप देख सकते हैं इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, इसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारे बोल के नहीं बताऊंगा मैं। ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनके पास ये सारे डिपार्टमेंट है, गृह हो गया, आवास और शहरी नियोजन हो गया, राजस्व हो गया, खाद्य सुरक्षा और औषधि हो गया, ठीक है, प्लस भूतत्व खनिकर्म हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, कर निबंधन हो गया, कई सारे हैं मतलब यहाँ पे। फिर उसके बाद केशव प्रसाद जो मौर्य हैं, उनके पास लोक निर्माण हो गया, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम। दिनेश शर्मा के पास है माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी। सूर्य प्रताप शाही के पास है कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद है सुरेश खन्ना के पास है वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा से ये शिक्षा, औद्योगिक विकास है सतीश महाना के पास, ठीक है, ब्रजेश पाठक के पास है। तो ये है पूरा लेटेस्ट है, अभी ये है, इसमें आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे कौन है इसमें, ठीक, ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा थोड़ा सा ये लिख के, बाकी अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये पूरा नियुक्तियाँ हो गई जो लेटेस्ट कौन क्या है, और आप चाहें तो ये वाली जो लिस्ट है इसमें आप लेटेस्ट देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, यूपी सीएम की जो है, सीएम आवास की है, ये सीएम ऑफिस लखनऊ की पूरी लिस्ट है, ये एक बार इसको पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है, कौन क्या है ये एक बार थोड़ा पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं एक बार, इसको पॉज करके पढ़ लो यार, बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगता है।
ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। और प्लीज़ आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत होया करिए, कई बार मेरे पास लोग ना व्हाट्सएप पे बहुत क्वेरी करते हैं, तो मेरी आवाज़ जो है बोल बोल के इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं मान लीजिए कई बार ना भी रूड बोलना चाहूँ ना, तो लोगों को लगता है कि जैसे मैं उनको जो है रूड तरीके से बात कर रहा हूँ। वो मेरी आवाज़ ही ऐसी है यार, घटिया आवाज़ है, क्या करें। तो ये समझ लिया करो कि यार आवाज़ ही ऐसी है मेरी, पूरे दिन लोगों को रिप्लाई करके। मैं जैसे मेरी जो 24 घंटे की दिनचर्या है उसमें मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता हूँ, बाकी काम जो है पूरे टाइम में मैं कभी किसी को जो है वीडियो को ऐसे बनाना है, कभी किसी को हायर करना है, ट्रांसलेशन चेक करना है, क्वेश्चन ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं, किसी एडवोकेटर को कोई दिक्कत आ रही है, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं मतलब लगभग जो है पूरे दिन मुझे बोल बोल के मैसेज देने पड़ते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या फिर यूट्यूब में वीडियो भी बनाने पड़ते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। तो ये वाली चीज़ों में मेरी आवाज़ जो है भाई साहब बहुत बार मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वैसे, लेकिन फिर भी लगता है आप लोगों को कि रूड है। रूड नहीं है वो, थोड़ी लाउड हो सकती है, रूड नहीं है। और जो कमेंट भी करते हैं बिल्कुल आप लोग करते रहा करिए कमेंट, हाँ लेकिन ये ज़रूर है कि शब्दों पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। अगर आप कमेंट कर रहे हैं और वो भी मेरे वीडियो पे, तो एक बार जो है एक्स्ट्रा कॉशियस होकर करा करिए, आधी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। हाँ अगर मान लीजिए आपने 6 अगर मान लीजिए मिस्टेक निकाली, तो उसमें से ये देख लीजिए एक बार, डबल श्योर हो जाइए कि हाँ ये सही बात है मिस्टेक कि नहीं। बिल्कुल अगर कोई अगर गलती होगी तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं, और हमारी प्रूफ रीडिंग टीम ही मैंने इसलिए रखी है क्योंकि देखिए अभी जैसे अगर अभी बीपीएससी के लिए हमने 15 टेस्ट बनाए, अब ठीक है 15 का मतलब हो गया 2,250 क्वेश्चन। अब इसमें अगर एक दो क्वेश्चन में कहीं एरर निकल गई तो हम समझते हैं ये ह्यूमन एरर है, ये हम इसीलिए लगातार प्रूफ रीडिंग की टीम हमारी लगी रहती है, और पेड ग्रुप वालों को बीच बीच में पूरा PDF भी दिया जाता है, अपडेट किया जाता है। अभी जैसे हमारे जब 15 टेस्ट सीरीज़ हो जाएंगे बीपीएससी के, तो हम उसको फिर से चेक करेंगे कि अगर कोई गलत हो गया है तो हम उसको 5-6 अक्टूबर तक फिर अपडेट कर देंगे, और वो वाला अपडेट हम फ्री वाले टेलीग्राम में भी देंगे जिन्होंने हमारे वीडियोज़ देखे थे, ठीक है। तो आप ध्यान रखा करिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह के क्वालिटी समझौता कर लेंगे। एक चीज़ और, अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ ये एक बात ये में ध्यान रखिएगा, पेड ग्रुप सिर्फ इसलिए होता है कि आपको PDF सारी एक जगह पे मिल सकती हैं, पूरा गाइडेंस मिल सकता है कैसे क्या पढ़ना है, वॉइस नोट्स मिल सकते हैं, पिक्स मिल सकती हैं, प्लस अगर आप डायरेक्टली भी बात करना चाहें तो बात हो सकती है, ठीक है। और प्लस और भी किसी चीज़ में फंस जाएंगे आपको तो आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन वीडियोज़ हमारे फ्री थे और फ्री हैं, फ्री रहेंगे। जो भी लोग मतलब कुछ लोग को मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग को समस्या ये है कि वो पेड ग्रुप में है तो वीडियो क्यों सबको मिल रहे हैं। अरे आप पेड ग्रुप में हो तो आप अपना देखिए, अगर आपकी कोई कमी हो रही हो तो बताइए। पेड ग्रुप में मैंने 8 टेस्ट सीरीज़ बोला था UPSC की, 15 दी हैं, लेकिन उनको ये बात की नहीं खुशी है, उनको ये समस्या है कि तुमने जो है 15 के 15 वीडियो क्यों अपलोड करे, मतलब ये तो हद हो गई। खैर मैंने जो बोला है वो मैं करूँगा ज़रूर, जो भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं जो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप, और जो ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोनों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।